हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सिलोलॉजिज्म की बेसिक थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका सिलोलॉजिज्म का एक वीडियो मैं कल पढ़ा चुका हूं, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको पहले वहां से देख लीजिए, ठीक है। और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा जिससे आपको पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब कोई चीज हम बीच में से पढ़ते हैं तो उसको समझना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, अगर हम उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बेस पॉइंट बन जाएगा और उसके बाद हमें जो चीजें हैं वो अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज ही हमारा सेकेंड लेक्चर है सिलोलॉजिज्म वाला, और इसमें हम करेंगे बेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ तक बहुत अच्छे क्वेश्चन और उनको कैसे सॉल्व करेंगे पूरी अच्छी टेक्निक यहाँ से आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मान लो आप बाद में जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल देर ना करते हुए, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें कहा गया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। जैसा हमने बताया था कि कल मैं इसके ऑप्शन बताया था कि किस टाइप में ऑप्शन को टिक करना है, तो वो आज मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके वेन डायग्राम पे। तो जैसा कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है, जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सभी शिक्षक जो हैं वो चित्रकार हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये आल टाइप वाला है, ये आल टाइप वाला स्टेटमेंट है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है वो क्या है, शिक्षक है। तो बना लेते हैं इसके लिए एक वेन डायग्राम की है, हमारा शिक्षक का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद में कहा गया जो सभी शिक्षक है वो किसके अंदर में आते, चित्रकार है। तो चित्रकार क्या होगा, इसको पूरी तरीके से कवर करेगा, ऐसा हमारा हो जाएगा चित्रकार का, ठीक है। ये पहले जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहा गया कुछ चित्रकार अमीर हैं, जो कुछ चित्रकार हैं वो क्या है, अमीर है, ठीक है। तो कुछ होंगे, तो कुछ वाला जो सम वाला डायग्राम है हमने बताया था चलो कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ ये चित्रकार दिख रहे होंगे ये अमीर होंगे, ठीक है, ओके। इसका अगर हम दूसरा डायग्राम देखें इसी का, तो जैसे कि हमको यहाँ पे कहा गया जो शिक्षक हैं ठीक वो क्या है, पूरी तरीके से चित्रकार हैं। तो यहाँ दूसरा हम बना लेते हैं, ये दूसरा डायग्राम भी पॉसिबल हो सकता है इसका, देख लेते हैं। ये शिक्षक है, ओके, और ये सभी क्या है, ये सभी है हमारे चित्रकार, ये सभी हमारा हो गए चित्रकार, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहा गया है कि कुछ चित्रकार अमीर हैं, तो देखो हमने क्या बनाया, सिर्फ चित्रकार को यहाँ पे लिया है कि जो चित्रकार हैं वो अमीर लोग हैं, वो क्या है, अमीर हैं। अब एक डायग्राम इसका ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ये अमीर का जो वेन डायग्राम है उसमें से कुछ शिक्षक भी इंक्लूड हों, उसमें से जो कुछ शिक्षक है वो भी इसमें इंक्लूड हों, तो एक डायग्राम हमारा ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अमीर। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो यहाँ हमको जो पहला कंक्लूजन बता रहा है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं, तो इसमें देखते हैं पहली बात, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, ठीक। तो देखो हमारे जो चित्रकार हैं वो क्या है, ये हैं, और जो सभी चित्रकार हैं वो पूरा शिक्षक है क्या, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं यानी इस डायग्राम के अंदर आ रहे हैं वही शिक्षक है, और बाकी जो चित्रकार यहाँ होंगे इस जगह बैठे होंगे मान लो वो चित्रकार तो होंगे बट वो शिक्षक नहीं होंगे। तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। यहां देख लेते हैं, यहां भी जो शिक्षक हैं, जो चित्रकार हैं वो पूरी तरीके से शिक्षक नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, तो जिसको मैं शेड कर रहा हूं यहां से, यहां जो चित्रकार होंगे वो शिक्षक नहीं है, तो इसमें भी जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ अमीर चित्रकार हैं, यहाँ पे अमीर लोगों को कहा गया। तो यहाँ हम देखते हैं अगर अमीर का वेन डायग्राम देखें तो कुछ जो ये यहाँ से जो अमीर होंगे, जो इतने अमीर दिख रहे हैं वो किसमें
है वो चित्रकार में भी फॉलो हो रहे हैं, यानी जो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है वो हमारे पहले वेन डायग्राम में फॉलो हो रहा है। अब आते हैं सेकेंड डायग्राम पे, तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी हमसे कहा गया है कि कुछ अमीर चित्रकार हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तो ये अमीर का ये वाला एरिया है, जो इतने अमीर हैं वो क्या है, एक तरीके से चित्रकार हैं, तो जो सेकेंड कंक्लूजन है यहाँ भी इस वेन डायग्राम से फॉलो होता है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड कंक्लूजन है वो हमारे दोनों जो पॉसिबल डायग्राम है उनमें फॉलो हो रहा है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है वही इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं इधर का वेन डायग्राम। हाँ दोस्तों, तो जो लोग समझ गए हैं तो वो इसको ट्राई करें, और इसका आंसर जो भी आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और हम भी इसको बताएंगे कि इसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को अभी थोड़ा डाउट है वो बोर्ड पर ध्यान देंगे, तो जैसा हमें यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ हमसे कहा गया सभी कप प्लेट है, यानी जो आल कप्स हैं वो क्या है, प्लेट्स हैं, ये आल वाला स्टेटमेंट है, ये आर वाला स्टेटमेंट है, और इसका वेन डायग्राम हमने कल सिखाया आपको कैसे बनाना है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि जो कप है, ये जो कप का वेन डायग्राम है, ओके, ये सारी कप क्या है, ये सारी कप हमारी प्लेट्स हैं, ये सारी कप क्या है, हमारी प्लेट्स हैं, ओके। और दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, कुछ प्लेट ग्लास है, यहां से हम देख सकते हैं कि जो यहां से कुछ प्लेट होंगी वो ग्लास भी होंगी, जो कुछ प्लेट है वो ग्लास है, तो ये हमारा पहला डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं क्या कोई दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, तो कहा गया कुछ प्लेट ग्लास हैं। ठीक है, तो ग्लास वाला जो ये वेन डायग्राम है, कि अगर ये पॉसिबल कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा अगर हम सेकेंड डायग्राम इसका बनाते जैसे अभी हमने पहले वाले का बनाया। ठीक है, यानी कुछ कप भी इसके अंदर आ जाती और कुछ प्लेट भी ग्लास के अंदर आ सकते थे। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे, यहाँ से कहा गया कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास यानी जो यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, उनको देखना है। तो ग्लास हमारे कप हैं क्या, कप वाला डायग्राम हमारा ये है। ठीक है, कप वाला डायग्राम हमारा ये है, अगर हम इस डॉट वाले वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर हम इस डॉट वाले वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं तब तो हम देख पा रहे हैं कि जो कुछ ग्लास हैं वो यहाँ पे कप हैं, जो कुछ ग्लास हैं वो कप हैं। अगर हम सेकेंड डायग्राम फॉलो करते हैं जो यहाँ कम्प्लीटली पहले हमने बनाया था, तो जो देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पूरा वेन डायग्राम है ग्लास का है, और यहाँ ये अलग वेन डायग्राम, ये अलग वेन डायग्राम किसका है, कप का है। तो हमें सेकेंड वाले डायग्राम से मैं कह सकता हूँ कि जो कप है वो ग्लास नहीं है, एक में पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी हमें लेके नहीं चलना जब तक हम श्योर नहीं होंगे, यानी जब तक ये दोनों डायग्राम में, जब तक ये दोनों डायग्राम में फॉलो नहीं होगा वो कंक्लूजन हम ट्रू नहीं कह सकते। ठीक, वो कंक्लूजन हम ट्रू नहीं कह सकते, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड कंक्लूजन पे, तो इसमें कहा गया सभी ग्लास कप है, अब सभी ग्लास कप है ऐसा तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ जो ग्लास होंगे वो कब कहाँ है, यहाँ ग्लास होंगे कब कहाँ है, अगर सेकंड डायग्राम पे देखेंगे तो थोड़े से जो ग्लास होंगे, कुछ जो ग्लास होंगे वो कब होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो भी फॉलो नहीं करता, तो जो ये बोथ स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से तो देखने को मिलेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। तो जिस ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा उसको आपको टिक करना है, वो ए बी सी डी किसी भी ऑप्शन के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं करते, तो आपको ऑप्शन में ये वाला टिक करना है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड के सामने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो दो तीन क्वेश्चन हम सेम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन सेम टाइप के मिलेंगे, फिर उसका नेक्स्ट टाइप मिलेगा, फिर उसका नेक्स्ट टाइप मिलेगा, ठीक है। इस टाइप में कुछ यहाँ पे मैंने कंटेंट सेट किया है, तो इतना अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करने के लाइक तो कर ही सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो बहुत पाप लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें पता है कि हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमसे कहा गया पहले क्वेश्चन में कुछ पेपर पुस्तक है, तो बना लेते हैं कुछ जो पेपर है, बना लेते हैं। ये क्या है, पेपर है, ये पेपर का वेन डायग्राम हो गया, और इधर क्या हो गया, ये पुस्तक का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो ये एक दूसरे से जो ओवरलैप हो रहा है जो एरिया, ये क्या होंगे, ये पेपर और पुस्तक का ये कंबाइन एरिया होगा, मतलब इतने में जो होंगे वो पेपर भी होंगे और पुस्तक भी होंगे। अब नेक्स्ट आ गया सभी पुस्तकें नोट्स हैं, तो अब देखो भाई पुस्तक वाला कौन है, तो जो ये पुस्तकें हैं ये किसके पूरा है, ये पूरी नोट्स हैं, तो नोट्स का डायग्राम तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये क्या है, पूरी नोट्स है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो कह रहा है कोई पेपर नोट नहीं है, कोई पेपर नोट नहीं है। तो हमने पहले एक बार बताई थी कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें नहीं जैसा कोई वर्ड नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, या यूज हो रहा है, आप बताओ, नहीं यूज हो रहा है ना, ठीक है। अच्छे तो यहाँ पे नहीं जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये भी कैसा है हमारा, सभी, इसमें भी नहीं जैसा कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब कल एक बात हमने बताई थी, जो लोग कल वाली वीडियो देखे उनको पता है, बट अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, जितने भी मान लो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, समझे। ये 100% श्योर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में कहीं नेगेटिव कंक्लूजन दिख जाता है जिसमें नहीं जैसा वर्ड यूज हो रहा है, तो उसको आप पहले ही लात मार दो, ये फॉलो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो कंक्लूजन है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो ये फॉलो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा गया जो कोई पेपर, कोई भी पेपर नोट नहीं है, यानी अगर हम नोट वाले को पकड़े तो ये पूरा नोट का हो गया, और देखो इस नोट के अंदर में जो इतना ये एरिया है, ये वाला एरिया के पेपर का नहीं है, यानी इतने जो पेपर है वो नोट में आते हैं, और कंक्लूजन में कह रहा है कि पेपर वहां भी नहीं है, तो गलत हो गया ना पहला। अब आते हैं दूसरे पे, कुछ नोट पेपर है, देखो ये जो नोट का वेन डायग्राम है, यानी जो इतने नोट्स हैं वो पेपर हैं, यहां से देख रहे हैं जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जो ये नोट्स हैं वो पेपर के भी अंदर में आते हैं, और इसमें से कुछ पुस्तक भी हैं, तो हमें पुस्तक से मतलब नहीं, क्योंकि कंक्लूजन में पुस्तक की बात ही नहीं करी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो नोट्स हैं वो पेपर हैं, तो जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है वो यहाँ से फॉलो करेगा, तो ओनली सेकेंड फॉलो, इस पुस्तक में क्या आंसर है, ओनली सेकेंड फॉलो। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमसे कहा गया कुछ सेब लाल हैं, बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो हमसे कहा गया कुछ सेब लाल है, मान लेते हैं ये किसका सेब का वेन डायग्राम है, ये कुछ सेब हैं, और इनमें से जो ये वाले सेब हैं ये रेड कलर के हैं, मतलब ये लाल हैं, ठीक है। अब आता नेक्स्ट पे, सभी लाल संतरे हैं, और जो ये लाल हैं, अब सभी लाल जो है संतरे हैं, तो संतरे का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे संतरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन पे आ जाओ, कोई संतरा नींबू नहीं है, अभी हमने पहले ही बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से
केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलता है। अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन मिल जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो उसको पहले ही आप बता सकते हो कि ये फॉलो नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे, तो सेकंड में देखते हैं कुछ सेब संतरे हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये सेब का एरिया है, ये वाला एरिया जो यहाँ पे इस एरिया में जो सेब है, जो इतने सेब है वो संतरे के दायरे में आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है वो हमें फॉलो होता दिखाई दे रहा है, यानी सेकेंड कंक्लूजन यहाँ से फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें कहा गया सभी पेन पेंसिल हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, यानी जो पेन है, ये पेन का डायग्राम हो गया, ये जो पेन है वो पूरी तरीके से क्या है, ये ऑल पेंसिल है। ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट का ये डायग्राम होगा, आते हैं कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो देखो पेंसिल और रबड़ में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, पेंसिल का डायग्राम ये है और रबड़ का डायग्राम जो नहीं वाला वेन डायग्राम बताए थे, नन वाला डायग्राम। तो अगर हमें कह दिया गया कि पेंसिल कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, तो रबड़ का डायग्राम क्या होगा, पेंसिल से अलग ही बनेगा, तो पेंसिल से अलग ही बनेगा, इसमें और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे, कोई भी रबड़ कलर नहीं है। देखो यहाँ जो कोई रबड़ है क्या वो पेन के अंदर में आती है, नहीं आती, यानी जो पहला हमारा कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं कोई भी कलम रबड़ नहीं है। ठीक है, कोई भी जो पेन है वो रबड़ नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी, देखो यहाँ पर ये दोनों कंक्लूजन जरा ध्यान से देखना, दोनों कंक्लूजन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट कैसे, देखो यहाँ पर कोई भी रबड़ कलम नहीं है और जस्ट इसका अपोजिट ये लिखा हुआ है कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो अगर अपोजिट है और आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन और अपोजिट दोनों को हम ट्रू मान के सकते हैं। यानी इस तरीके से ये जो दोनों स्टेटमेंट है, सॉरी जो दोनों कंक्लूजन है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बोथ कंक्लूजन आप फॉलो। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमारे कुछ स्टेटमेंट, अभी तक हम दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब मोर देन जो टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है हम यहाँ से अब ये सीखने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब जो हमारा स्टेटमेंट है वो दो ना हो के तीन हो रहा है। ठीक है, या कभी कभी आपको चार भी देखने को मिलेगा, तो घबराइए मत, मैं चार वाला भी कराऊंगा आपको। पहले हम तीन वाला यहाँ से देख लेते हैं कि जब तीन स्टेटमेंट हो और मोर देन टू कंक्लूजन हो, जिसमें तीन स्टेटमेंट होंगे उसमें तीन चार कंक्लूजन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो हम करेंगे वैसे ही, बस इसमें क्या होगा कि जो वेन डायग्राम है उसमें थोड़ा और चीजें बढ़ जाएंगी। तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी और वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको पढ़िए, यहाँ से कहा गया है सभी अंडे मुर्गियां हैं, यानी जो अंडे हैं अगर हम इसका वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, अंडे हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अंडे हैं, और ये सारे अंडे क्या है, मुर्गियां हैं। तो मुर्गियों का डायग्राम ये हो गया, ये सभी अंडे मुर्गियां हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो ये क्लियर हो गया। अब कहा गया जो सभी मुर्गियां हैं वो क्या है, पक्षी हैं। तो जो ये सारी मुर्गियां हैं वो क्या है, ये एक तरीके से पक्षी हैं। तो जो पक्षी का वेन डायग्राम बनेगा वो पूरी तरीके से मुर्गियों को कवर करेगा। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, पक्षियों का वेन डायग्राम है। ठीक है, पक्षियां हैं। नेक्स्ट, जो सभी पक्षियां क्या है, कौवे हैं। अभी जो पूरा जो पक्षियों का ये पूरा समूह दिख रहा है ये पूरी तरीके से क्या है, ये कौवों का समूह है। तो कौवे का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी के ऊपर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे कौवे हो गए, और ये इसको लिख लेते हैं, ये क्या हमारी पक्षियां, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन को देखते हैं और देखते हैं कौन कौन कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा यहाँ पे। तो जो पहला कंक्लूजन है उसमें क्या आ गया, सभी अंडे कौवे हैं। तो हम अगर अंडे वाले को देखें, ठीक है, ये अंडे वाला जो वेन डायग्राम है वो आ रहा है क्या कौवे के ग्रुप में, तो कौवे वाला ग्रुप हमारा कौन सा, ये बाहर वाला जो वेन डायग्राम है वो कौवे का है।
और इसके अंदर में क्या है, कौवे के अंदर में 60 अंडे हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाता है कि सभी अंडे हैं वो क्या है, कौवे हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ से क्या है, सभी अंडे कौवे हैं। यानी अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो वो वाला हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा ट्रू होता है। अगर सभी जैसी बात करेंगे तो वेन डायग्राम कुछ इस जैसा है। यानी अंदर से अगर हम बाहर जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, देखो अंडे से हमें टोबे की तरफ आना है, अंडे से टोबे की तरफ आना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो पहला कंक्लूजन है वो हमारा फॉलो करेगा। ठीक, यानी हमारा क्या हो गया, यहाँ से देख दें, फर्स्ट फॉलो करेगा। सेकेंड, सभी मुर्गियां टोबे हैं। अब हम फिर देखते हैं मुर्गियों वाला वेन डायग्राम हमारा ये है। अब यहाँ से हम क्या आ रहे हैं, बाहर हैं टोबे, तो बाहर की तरफ आ रहे हैं। यानी हमारा उसी तरीके से जो सेकेंड कंक्लूजन है वो भी फॉलो कर गया। ठीक, अब यहाँ से देखो, कुछ कौवे पक्षी हैं। ठीक है, यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये पूरा जो वेन डायग्राम है, ये पूरी तरीके से अगर हम पूरा देखें, इसके अंदर भी कौवे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पक्षियों का ग्रुप है ये, यानी इसके इतने इस वाले रीजन में, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, यानी इस वाले रीजन में जो कौवे होंगे वो पक्षी भी होंगे। इस वाले रीजन में जो कौवे होंगे वो क्या होंगे, पक्षी भी होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ हमें कौवे और पक्षी को देखना है, बाकी नहीं। यानी ये जो अंदर का वेन डायग्राम है वो पक्षियों का है और ये कौवे का है। तो हम देख सकते हैं कि कौवे में से इधर वाले जो है ये तो पक्षी नहीं है, बट जो इसके अंदर है वो पक्षी है। यानी कुछ कौवे पक्षी है। तो जो हमारा तीसरा कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन है, वो भी यहाँ से फॉलो कर रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम वेन डायग्राम बना रहे हैं इसका, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में कहा गया वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे कहा गया सभी कागज पीले हैं, तो हमें क्या बनाना, सबसे पहले इतना तो पता ही हो गया होगा कि पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे, कागज का, कागज का। उसके बाद में कहा गया कि ये सारे क्या है, पीले, ये हो गए पीले। नेक्स्ट में कहा गया सभी पीले पत्र हैं, तो ये जो पीले का जो वेन डायग्राम है, ये सभी पीले क्या है, इस तरीके से लेटर है, पत्र है, ये हो जाएगा हमारा पत्र। ठीक, अब कहा गया जो कुछ पत्र हैं वो राष्ट्रीय हैं। ओके, अब यहां थोड़ा ध्यान देना, एक वेन डायग्राम अगर हम राष्ट्रीय वाला दिखाएं तो एक वेन डायग्राम हम ये दिखा सकते हैं कि ये क्या है, राष्ट्रीय है, ये वेन डायग्राम राष्ट्रीय है। और देखो जो ये वाले पत्र होंगे वो राष्ट्र के अंदर में आएंगे। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। अगर हम राष्ट्रीय का थोड़ा उसको क्या करेंगे, इमेजिन करके देखेंगे, अगर राष्ट्रीय का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, इन तीनों को लेकर बना सकते हैं ना, इन तीनों को लेकर बना सकते हैं ना, तो बिल्कुल बना सकते हैं। हमसे कहा गया है यहाँ पे कुछ पत्र राष्ट्रीय हैं। तो अगर हम देखें यहाँ जो ये पत्र वाला है, ये पीले वाला है, तो ये अगर हम यहां से बनाते हैं तब भी तो पॉसिबल है कि इसमें जो ये वाले जो पत्र होंगे वो राष्ट्रीय होंगे, पॉसिबल है। ठीक, यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय का वेन डायग्राम हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यहां से कहा कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, तो ये वेन डायग्राम एक तरीके से अलग है। ये हमारा क्या सिर्फ इमेजिनेशन है कि यहाँ एक वेन डायग्राम ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो दोनों डायग्राम में अगर फॉलो हो रहा है, दोनों डायग्राम में अगर हमें मिल रहा है तभी वो फॉलो होगा। किसी एक में अगर हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो पीले हैं ये राष्ट्रीय भी हैं और पीले भी हैं। यहाँ पे हम इस वाले डायग्राम से कह सकते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है वो फॉलो करता है। ठीक, मगर इस वाले हम वेन डायग्राम से कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि राष्ट्रीय अगर हम इतना ही माने तो कहाँ ये पीले हो गए, राष्ट्रीय अलग अलग हो गए, ये यहाँ से फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। अभी आपको दोनों सोच के चलना है। ठीक, कुछ पत्र कागज हैं, तो यहां से देखो
जो ये पत्र है ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये पत्र है, और इसके अंडर में इतने जो है यहाँ पे भी पत्र होंगे, और ये क्या है बेसिकली कागज है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है। देख लो ये पूरा पत्र है और इसके जो पत्र यहाँ पे होंगे वो कागज भी होंगे, यानी कह सकते हैं इनको छोड़ के जो इतने पत्र हैं वो तो कागज नहीं है, बट इतने यानी कुछ पत्र यहाँ से कागज हैं। दूसरा आ गया कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। देखो कागज वाला कहा है, यानी हम अगर यहां से देखें इससे देखें इस वाले इमेजिनरी वेन डायग्राम से, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां से जो कागज है वो राष्ट्रीय है, यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है यहां से वो फॉलो हो रहा है, यानी जो सॉरी तीसरा कंक्लूजन है वो यहां से फॉलो हो रहा है। यहां पे दूसरे की बात कर लेते हैं, यानी दूसरा भी कुछ पत्र कागज है, यहां से देखो दूसरा भी यहां से देख लेते हैं, जो कुछ पत्र है पत्र क्या है ये, यहां से फॉलो कर रहा था दोनों में। अब यहां पे देखो तीसरा, यहां भी तीसरा वाली बात करते हैं, इसको और इसको अब इसको बोल जाओ थे? अब देखना यहां से क्या कहा गया, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है ठीक है, यानी कोई कागज ये हमारा कागज है ये राष्ट्रीय दोनों अलग अलग है, तो यहां जो तीसरा स्टेटमेंट है वो फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हमने क्या कहा कि अगर वेन डायग्राम एक से ज्यादा पॉसिबल है और कोई भी कंक्लूजन जितने वेन डायग्राम बन सकते उन सभी में फॉलो हो रहा है तभी वो फॉलो होगा, अदरवाइज किसी एक में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। तो यहां से जो फॉलो करेंगे वो सिर्फ हमारा कौन सा फॉलो करेगा, सिर्फ जो सेकंड कंक्लूजन है वही फॉलो करेगा इस क्वेश्चन के लिए ठीक। अब आते हैं इस पर, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो यहां कहा गया स्टेटमेंट में सभी घोड़े गधे हैं, तो यहां हम ये घोड़ों का डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है घोड़े और ये सभी क्या है गधे हैं, तो ये हो गया हमारा गधा ओके। नेक्स्ट सभी गधे बंदर हैं, तो ये जो ये पूरा जो सर्किल है वेन डायग्राम का ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरा बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया कोई भी बंदर गधा सॉरी बाघ नहीं है, ये पूरा कोई भी बंदर बंदर बाघ नहीं है, नहीं वाला वेन डायग्राम क्या बताया हमने कि ये जो नहीं वाले होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, यानी बंदर बाघ नहीं है, यानी बाघ कहीं हमारा इधर होगा टेल होगा बिंदु में, तो ये क्या हो गया हमारा बाघ ओके। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, चलो ठीक है छोड़ो। यहाँ देखो अब आते हैं निष्कर्ष पे, तो निष्कर्ष में हमारा कहा गया सभी घोड़े बंदर हैं, जो सभी घोड़े हैं देखो हमने क्या बताया, अगर आप अंदर से बाहर आ रहे हो आल वाले स्टेटमेंट में तो वो हमारा सॉरी आल वाले कंक्लूजन में तो वो कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा, यानी हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। यहाँ पे कुछ गधे बाघ हैं, जो कुछ गधे हैं ये देखो ये गधे का डायग्राम है और कहाँ हमारा बेचारा बाघ जंगल में टेंगुला, तो गधे और बाघ दोनों में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है बीच में, तो जो हमारा सेकेंड वाला कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं, तो घोड़े जो यहाँ पे बंदर होंगे यहाँ इसके अंदर में इधर का छोड़ के ये पूरा तो बंदर है ना, पूरा देखो एक तरीके से पूरा जो वेन डायग्राम है बंदर का है, मगर यहाँ जो बंदर होंगे वो क्या होंगे घोड़े भी होंगे, कह सकते हैं कि यहाँ जो बंदर है यानी कुछ जो बंदर है वो घोड़े सॉरी हाँ जो कुछ बंदर है वो क्या है घोड़े हैं ठीक, यानी जो हमारे यहाँ तीसरा वाला कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। अब आते हैं फोर्थ कंक्लूजन पे, तो फोर्थ कंक्लूजन कह रहा है कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर जो है गधे हैं। अब देखो इसका यानी यहाँ पे इस वाले में जो होंगे वो जो बंदर वो गधे के होंगे, यानी जो हमारा फोर्थ है वो भी फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो किया थर्ड फॉलो किया एंड
फोर्थ फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको कुछ सॉल्व करना होता है। और एक तरीके से समझो, ये अगर आप समझ गए ना तो ये थ्री के नंबर है, और कोई भी इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट या वनडे एग्जाम आप उठा के देख लो, उसमें से ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिलेगा जहां से यहाँ दो तीन क्वेश्चन ना आए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, तो रेलवे में ये भर भर के पूछा जाता है। SSC में भी अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो उसमें से दो और मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। 75% दो क्वेश्चन आते हैं और कहीं कहीं एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये टॉपिक कंपलसरी है, ये आपको नंबर देख के ही जाएगा। तो अब समझ गए आपको क्या करना है, आपको यहाँ अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत और नंबर पक्के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भाई इतना तो कर ही दो। हाँ दोस्तों, तो आप सब रेडी हैं अगले चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि दो क्वेश्चन है जिसमें चार चार स्टेटमेंट भी यूज हुए हैं, तो उनका वेन डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बट जो डायग्राम के जो सर्कल्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे वो आप यहाँ से देखेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, इसका जो पहला स्टेटमेंट हमें देखता है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो इनको हम पहले सेट कर लेते हैं कि जो सभी कुत्ते हैं थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। इसमें कहा गया कि जो सभी कुत्ते हैं, ये वेन डायग्राम कितना हो गया कुत्ते का, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ये हो गया बिल्लियों का। तो बिल्लियां आजकल जो है वो खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, उसके बाद में कहा गया कुछ बिल्लियां बाघ हैं, देख पा रहे हैं ये, यहां से देखो कुछ बिल्लियां बाघ हैं, यानी इसमें से जो कुछ बिल्लियां हैं तो इस तरीके से है, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, ठीक। नेक्स्ट हमसे कहा गया सभी बाघ तेर हैं, तो यहां से कुछ इस तरीके से ये हो सकता है। इसका एक अदर डायग्राम भी बन सकता है, बट हम वही डायग्राम बना रहे हैं जो यहाँ पे सारे जो निष्कर्ष हैं वो एकदम करेक्ट हम बता पाएंगे, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बना रहे हैं, नहीं तो इसकी पॉसिबिलिटी और भी, इसके और भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में दो दो डायग्राम बनाए थे, तो यहाँ से हमसे कहा गया जो सभी बाघ है वो क्या है, शेर है। यहाँ हम लिख लेते हैं क्या है, ये शेर है, ठीक। नेक्स्ट हमसे कहा गया कोई शेर गधा नहीं है, यानी जो इसमें से कोई भी जो पेड़ है वो गधा नहीं है, तो गधा हमारा कहाँ होगा, यहाँ कुछ होगा, ये गधा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ये शेर नहीं होगा, यानी इतने को छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक, और ये यहाँ भी हो सकता है, ओके। तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है ये समझ गए, अब आते हैं अपने निष्कर्ष पे, कौन कौन से निष्कर्ष हमें यहाँ से निकल सकते हैं। जैसा कि हमें बताया गया कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यहाँ से हम देखते हैं बिल्लियों और कुत्तों में हमें रिलेशन देखना है, तो जो इसके अंदर बिल्लियां रहती होंगी वो कुत्ते भी होंगे, जो इसके अंदर बिल्लियां हैं वो क्या है, एक तरीके से कुत्ते हैं, तो ये इतनी बिल्लियां हैं जिसमें से इतने कुत्ते हैं, और हमसे यही कहा गया कि कुछ जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते हैं, तो यहाँ देख सकते हो जो जितनी बिल्लियां हैं इसके अंदर में वो कुत्ते हैं, यानी जो पहला जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो हो गए। अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं, तो सेकंड में हमसे कहा गया कि सभी शेर बाघ हैं, देखो सभी शेर हैं वो बाघ हैं क्या, शेर से हमें बाघ की तरफ जाना है, तो यहाँ जो ये शेर होंगे ये वाले जो शेर होंगे वो बाघ हैं कहीं से भी दिख रहे, ये वाले जो शेर है वो तो बाघ नहीं है, सिर्फ इतने वाले जो शेर है यही बाघ है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि सारे शेर बाघ है, वो तो दिख रहा है ना कि ये वाले जो शेर है वो बाघ नहीं है, तो जो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं होगा। अब आ जाते हैं थर्ड कंक्लूजन से, थर्ड वाले को क्या होगा, यहाँ पर चेक करो कुछ गधे बाघ हैं, तो भाई गधे कहाँ है, ये कुछ गधे बाघ हैं, तो देखो यहाँ से हमसे बताया गया था कि जो शेर है वो गधे नहीं है, और जो बाघ है वो सारे एक तरीके से क्या है, शेर है, अब शेर गधे नहीं, देखने से बाघ भी गधे नहीं, तो जो हमारा तीसरा वाला
कंक्लूजन है वो भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई बाघ गधा नहीं है। भाई यहाँ तो देखो, हमको कहा गया था कि सभी बाघ क्या है, शेर है, ठीक है। दूसरा ये कहा गया जितने भी शेर है वो गधे नहीं है, यानी इनडायरेक्टली हम तो ये कहना चाहता है जो बाघ है वो गधे नहीं है, यानी कोई भी बाघ गधा नहीं है। इसलिए ये वाला जो फोर्थ कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो कर रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमको चार स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम बनाया, तो उसी तरीके से इसका भी वेन डायग्राम बनने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कुछ सिंह बिल्लियां हैं, तो पहले हमें सिंह और बिल्लियों का डायग्राम बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा डायग्राम है वो क्या है, सिंह है, और इसमें तो जो कुछ सिंह है वो बिल्लियां हैं। ये डायग्राम हमारा बिल्लियों का हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसा बिल्लियां। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा गया सभी बिल्लियां बाघ हैं। यहाँ पे देखिए सभी बिल्लियां बाघ हैं, तो यहाँ जो ये सभी बिल्लियां हैं वो किसके अंदर में आएंगी, यानी कुछ इसका जो वेन डायग्राम होगा बिल्लियों और बाघ का इस तरीके से बनने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाघ का डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो बिल्लियां हैं पूरी तरीके से सभी बाघ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कोई भी बाघ हाथी नहीं है। अभी नहीं वाला नन वाला वेन डायग्राम हमने कल बताया था कि जब हमें कहते कि दो यहाँ पे नहीं वाला रिलेशन आ जाए, यानी उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा जब, तो उनको अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ हमसे कहा गया बाघ हाथी नहीं है, तो यानी हाथी और बाघ का जो वेन डायग्राम होगा वो अलग बनेगा। तो हम हाथी का अलग यहाँ से बना लेते हैं कि ये जो वेन डायग्राम है वो हाथियों का है। नेक्स्ट हमसे कहा गया कि सभी हाथी खरगोश है, तो सभी हाथी खरगोश है, यानी ये वाले जो हाथी है वो पूरी तरीके से क्या होंगे, खरगोश होंगे। तो ये नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है ये खरगोश हो जाएगा। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे, एक एक करके सभी कंक्लूजन चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे पहला कंक्लूजन हमसे कहा गया है कुछ बाघ सिंह हैं, ठीक है, पहला कंक्लूजन है कुछ बाघ सिंह हैं। तो यहाँ से देखो ये बाघ हैं, ठीक है, और ये पूरा जो बाघ का एरिया है, यानी जो इतने ये बाघ हैं उसमें से ये वाला देखो, ये पोर्शन जो दोनों सिंह और बाघ में आता है, यानी यहाँ से जो इतने ये बाघ होंगे वो क्या होंगे, सिंह होंगे, यानी कुछ बाघ सिंह हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो हमें यहाँ से ट्रू मिल जा रहा है, यानी फर्स्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कहा गया कोई भी हाथी सिंह नहीं है। हाथी और सिंह को देखना है, तो सिंह हमारा यहाँ है और हाथी हमारा यहाँ है, ये दोनों ही अलग हैं, और हम देख सकते हैं कि जब इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी सिंह हाथी नहीं है। तो यही हमारे कंक्लूजन में कहा गया, यानी जो सेकेंड कंक्लूजन है वो भी फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ बिल्लियां आती हैं, तो यहाँ से देखो भाई ये पूरी बिल्लियां हैं, और ये पूरी जो बिल्लियां हैं वो पूरे तरीके से बाघ हैं, और नेक्स्ट वाले में हमें बताया गया कि जो बाघ हैं वो हाथी नहीं है, तो ये बिल्लियां भी हाथी नहीं होंगे, बिल्लियां भी जो हाथी नहीं होंगी, जबकि हमसे इसमें कहा गया कि कुछ बिल्लियां हाथी हैं, यानी ये गलत है, जो हमारा तीसरा कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या आते हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, यानी जो कुछ बाघ हैं वो बिल्लियां हैं, तो ये पूरा बाघ हो जाएगा, और इसका जो ये पोर्शन होगा इसमें जो बाघ होंगे वो क्या होंगे, बिल्लियां होंगे, इतनी जो बाघ हैं वो बिल्ली हैं, यानी कुछ बाघ यहाँ से बिल्ली हैं। दैट मीन्स कि जो फोर्थ कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकेंड फॉलो हो रहा है, और फोर्थ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो तीन स्टेटमेंट है इसको छोड़ के बाकी तीन स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं, तो जिस ऑप्शन में ये लिखा हो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, उसी को आप एग्जाम में टिक करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो इसके लिए आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे अभी तक आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को लाइक करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिए मत। अपने से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।